नमस्ते, सेंट सिसिलीज इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल में हिंदी वीक का आयोजन 15 फरवरी से 20 फरवरी को किया गया था। बहुत सारे बच्चों ने मन लगाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस का महत्व क्या है? अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद सन 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इस दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। भारतीय संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी लिपि का दर्जा प्राप्त है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन कई सेमिनार, हिंदी दिवस समारोह आदि का आयोजन भी किया जाता है। आज के दिन हम सभी लोगों को हिंदी गीत सुनने चाहिए और तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कहानियाँ और कविताएँ भी पढ़नी चाहिए। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी का सम्मान करें, देश का मान करें। मेरा नाम गोविंद अरुणा, मैं 5वीं ए से हूँ। आज मैं आपको 2 बकरियों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार 2 मूर्ख बकरियों एक संकीर्ण पुल को पार करना चाहते थे। उन्होंने 2 चोरों से पुल को पार करना शुरू किया। जब वो दोनों पुल के मध्य में मिले, वो दोनों लड़ने लगे। जब वो लड़ रहे थे, वो दोनों पानी में गिर गए और डूब गए। नैतिक अहंकार कभी जीत नहीं सकता। धन्यवाद सर। मैं अपने परिवार के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हमारा एक छोटा परिवार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा परिवार में 4 लोग हैं, मेरे पापा, मेरी माँ और मैं और मेरी दादी। हम बहुत खुशी से रहते हैं। हम साथ में खाना खाते हैं,
टीवी देखते, हम साथ में घूमने जाते, हम खुशी से घर में रहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सबको, मेरा नाम हिता है, मैं 9 साल की हूँ। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा मम्मा का नाम है नलिनाक्षी, वो एडवोकेट हैं। मेरे पापा का नाम है विक्टर, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। मैं अपने रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत मजे से रहती हूँ। परिवार बहुत छोटा है। मेरा परिवार में पिता, माता और मैं। मेरा पिताजी एक छोटा सा काम कर रहा है। मेरा माँ घर में है। मेरा घर का वातावरण शांत है। हम सब एक साथ खुशी से खेलते हैं।